प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे मगन, बार दुकान में नटू काका नहीं है? वो अभी तक आए नहीं। क्यों? पता नहीं सर। तो क्या पता क्या होता है तुमको? पता नहीं। हाँ बोलो। हमारे लिए एक खुशखबरी है। ये हो नहीं सकता, क्योंकि खुशखबरी और हम तराजू के दो अलग अलग पलड़े हैं। आप भी क्या मेहता साहब की तरह बोलने लगे? कुछ समझ में आया ऐसा बोलिए ना। अच्छा सोचो क्या खुशखबरी होगी। तेरा भाई सुंदर सुधर गया। हाँ? क्या आप भी? अरे मेरा वीरा तो सुधरा हुआ ही है। अरे भैया काम का टाइम है तो कहाँ ये टाइम पास कर रही है, बोलना भाई क्या खुशखबरी। हाँ हाँ बताती हूँ, हमें काम वाली बाई मिल गई है। क्या काम वाली बाई मिल गई? अरे वाह, ये तो वाकई में खुशखबरी है। कौन लाया हमारी जिंदगी में ये खुशी, कौन लाया? दया नट्टू काका। और काम वाली बाई का नाम है लवली, और वो दोनों है ना फटफटिया में आए थे। बस 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 दया, वो बाई का पूरा इतिहास में शाम को घर आऊंगा ना तभी बताना। वाह, जिंदगी में पहली बार नट्टू काका ने मेरे लिए कोई अच्छा काम किया। चलो चलो सोडा रेडी है, पी लो पी लो। अरे भाइयों सोडा बाद में पीना, पहले लड्डू खाओ। लड्डू लड्डू क्या जेठाला लड्डू बांट रहे हो, खुद तो लड्डू जैसे हो गए हो। अभी हमें लड्डू खिला के क्या अभी भी लड्डू जैसा बनाना चाहते हो? तू चुप रहना दुखी आत्मा। अरे भैया प्लीज आप दोनों माफ करो, पर ये बताओ कि लड्डू किस खुशी में जेठालाल? अरे वो सब बाद में बताते रहना, पहले लड्डू आने दो। क्या बात है। अरे मेहता साहब वो काम वाली मिल गई, उसकी खुशी में लड्डू लेकर आया हूँ मैं। क्यों आपको खुशी नहीं हुई? अरे मेहता साहब को क्यों खुशी होगी, इनको तो अंजलि भाभी को मदद करने में बड़ा मजा आता है। बात मजा आने की नहीं है भाई, एक पत्नी व्रता पति हूँ मैं, अरे कर्तव्य निभाता हूँ। कर्तव्य निष्ठ मेहता साहब। सही बात है। जेठा भाई काम वाली मिलने की खुशी में लड्डू। लवली लवली अब्दुल, वो लवली ही है। दिखने से या काम से? अरे भैया अभी तो नाम से लवली है, काम से कैसी है ये कल आएगी तो पता चल जाएगा। Ooh, baby girl. Excuse me. Yeah. Yes. ये स्कूटर स्टैंड पे लगाना था मैन। हाँ लगा, कोई बड़ी बात नहीं। थैंक यू। दरअसल क्या है, हाँ यही पे स्टैंड होता है, उसको ये ऐसा करके। अरे अरे भाई ये किधर गया इसका खटका? साहब साइड कार भेज दिए क्या? अरे अब्दुल वो रही मेरी स्कूटर, ये मेरी नहीं है। ओहो समाज सेवा। हाँ लगे रहो। किधर है? लग गई। दया चाय लाना जल्दी। ला रही हूँ। ये लीजिए। ये क्या है, कप सिरप? नहीं चाय। चम्मच में? हाँ चखिए तो सही। चाय में क्या चखने का दया,
अरे सुपर मसाले वाली चाय है, चखिए ना जरा। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत बढ़िया चाय है। थैंक यू। आ दो कप पीऊंगा। नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं है, लवली के लिए है। इसको सुपर मसाले वाली चाय बहुत पसंद है। एक बाई के लिए। नहीं, बाई मत कहिए, वो मैड है, मैड। गुड मॉर्निंग मैम। अरे आ गई। ये है लवली। ओह बेबी गर्ल। ये बाई, ये है लवली। ये कौन है मैम? नहीं नहीं, ये मैन नहीं है, घर के मैन मानस तो हमारे बापू जी है। ये तो मेरे पति है, टप्पू के पापा। ओह गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो काम शुरू करने से पहले चाय पी लो। पहले यहाँ मैडम मैडम मैडम, ये वैक्यूम क्लीनर की तरह का यहाँ पर रख दो ना। ओके बैठो, बैठो। थैंक यू। ये मशीन तुम घर से ही लेकर निकल दियो? ऑफ कोर्स सर। तो उसका अलग से चार्ज होता है कि सब पगार में आ गया? नो सर, ऑल इंक्लूडिंग। गया अलग नहीं देना इसका कुछ, सब आ गया पगार में। देखा? हाँ हाँ, थैंक यू मैम। बैठिए ना सर। ये लो सुपर मसाले वाली चाय। थैंक यू मैडम। नाइस। भैया को तो देखो, बारातियों की तरह लवली का स्वागत कर रही है। और क्यों नहीं करेगी, लवली भी तो बाराती की तरह सज धज के आई है। अच्छा लवली, तुम काम पर भी ऐसे ही कपड़े पहनती हो? हाँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? इसको क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो दूसरों को होगा ना। होता है कभी कभी। अभी मालूम, लास्ट टाइम हम जिसके यहाँ काम करता था ना, वो साहब हमको पेपर के पीछे से ऐसा देखता था, बस जाकर उसका पेपर छीना और एक दिया कान के नीचे घुमा के। दया, दया मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ। और चाय भी दुकान पे पी लूंगा। थैंक यू। ठीक है, बाय सर। हैव अ नाइस डे। ओह बेबी गर्ल। नाइस डे। अरे बाबू चट, कहाँ देख के चल रहा है? नाइस डे। जय जिनेंद्र बाबू। जय जिनेंद्र। ये है हमारे घर के मेन मानस। गुड मॉर्निंग अंकल। ओए पापा जी, ओ मैं बाजू बात करता हूँ तुझसे। वो तोड़ दिया, वो अभी अभी तो खरीदा था, जरा संभाल कर काम करना चाहिए ना। एक्सक्यूज मी अंकल। अंकल, हमारा टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है हमारे ऊपर चिल्लाने का नहीं। ओए इतना जल्दी ना करती तो टूटता तो नहीं ना। छे छे घर का काम करता है हम, अगर स्पीड से नहीं करेगा तो कैसे चलेगा अभी? हाँ बोलो, कैसे चलेगा? लगता है एक दो घर का काम हमको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको हमसे कोई कंप्लेन है तो बस हमें मेल कर देना। कोई कंप्लेन नहीं, होता है, ऐसा होता है, तुम चुप करो। नहीं वो यार, नुकसान तो उसने किया, तुम मुझे ही बोले चल गया यार, कमाल है। तुमसे कभी कोई नुकसान नहीं हो क्या? वो नुकसान उसने कर दिया तो मुझे क्या किया यार, मैंने क्या किया, कमाल है वो सारा। एक्सक्यूज मी, देखो आप लोग बाद में लड़ लेना, ऑलरेडी हमारा टाइम इतना खोटी हो चुका है। मैडम हमको जल्दी से हैंड ग्लव्स दो, हम इसको साफ कर देते हैं। हैंड ग्लव्स तो नहीं है। हैंड ग्लव्स नहीं है, देन आई एम सॉरी, फिर आप खुद ही साफ कर लेना। ओए तू, ओए ओए तुम चुप करो। नहीं तुम जाकर अंदर बैठ जाओ। कोई बात नहीं लवली, मैं साफ कर लूंगी। क्या मैडम, अभी हम ऑलरेडी इतना लेट है, ऊपर से आपके मिस्टर ने हमारा टाइम खोटी कर दिया। देखो अभी हम आपका कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाल दिया, अभी प्लीज आप खुद ही सुखा लेना, हमको लेट हो गया, हमको अंजलि मैडम के घर जाना।
वो हम आपका लैपटॉप यूज कर सकते हैं? लैपटॉप क्यों? वो हमारे को मेल चेक करने का था। मेल चेक करना है तुम्हें? ठीक है बैठो करो। थैंक यू साहब, थैंक यू। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं अंजलि, वैसे ही गुस्सा आ रहा है मुझे। अजीब फीमेल है, जिनके घर काम कर रही है वहीं पे आके मेल चेक कर रही है। मुझे इन मैडम के काम करने के लक्षण नजर नहीं आते। नेपोलियन के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं था और आपके डिक्शनरी में पॉसिबल वर्ड नहीं है। By the way, अंजलि जी, मैं आपको ये याद दिला दूं कि व्यंग करना मेरा काम है, तारक मेहता का। पर मैं व्यंग कहाँ कर रही हूँ? तो मैं तो पत्नी होने का फर्ज अदा कर रही हूँ। ऐसे ताने मार के समझ गए। माधवी, क्या है ये? उसकी आदत है लंच करते करते टीवी देखने की। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैं भरता हूँ। हेलो। हाँ पीटर, वो हम फोन इसका वास्ते किए थे कि राशन कार्ड में हमारा नाम का मिस्टेक है, मैन उसको ठीक करना मांगता है। ओ नो 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 नो, हम कैसे आ सकता है? आने का वास्ते हमको छुट्टी लेना पड़ेगा। हाँ, अभी तुमको ही करना पड़ेगा। मैं नहीं जाने वाला रेशनिंग ऑफिस में। हाँ अच्छा, तो कल वो छुट्टी करेगी ना, तो आटा गूंथने और बर्तन मांजने आना किचन में। जातो बाबा जातो। लगता है वो भिड़े ट्यूशन क्लास का बोर्ड निकाल के वहां पे लिखना चाहिए। यहाँ पर सरकारी कामकाज किया जाता है, वो भी मुफ्त में। क्या करने आया था? ए भाई चमको, वो स्त्री का कपड़ा जल्दी घर पे भेजो, दया बुआ बूम कर रही है। लाओ भाई अब्दुल, मेरी सोडा ला। एक मिनट, और कम खट्टा देना थोड़ा। बहुत खट्टा है। अब्दुल मेरा भी एक सोडा। लीजिए लीजिए। अच्छा हुआ भाई साहब आ गए। क्यों? मुझे नया राशन कार्ड बनाना है। तो आप बनवाते हैं ना? किसने कहा? क्या भिड़े साहब, मेरे दोस्त ने आपको मुंसिपल वाले ऑफिस में बहुत बार देखा है। 200 की जगह 300 ले लेना। ये बेड़िया क्या एजेंट समझ के रखा है क्या? ये सब उस लवली की वजह से हुआ है। ओ हाँ यार, वो करदा काम कर दिया या हम पे एहसान कर दिया पता ही नहीं चलता। मैं तो कहता हूँ उसे कहाँ पर से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। या भाई क्या निकाल दो, हमको घर में काम करने की आदत नहीं है। लवली को काम से निकाल दो, उसको निकाल देंगे बाद में तुम तो माधवी भाभी के लिए लवली बन सकते हो, हम नहीं बन सकते भाई। जेठालाल, मैं मेरा अपमान करवाने के लिए यहाँ नहीं आता हूँ। अच्छा, तो अपना अपमान करवाने कहाँ जाते हो एग्जैक्टली? देखो जेठालाल, ए भाई जेठालाल और भिड़े, तुम दोनों आज यहाँ फैसला कर लो यार, एक बार फाइनल कुश्ती कर दो इधर। रोज का क्या है यार ये। लेकिन कुछ भी कहो, ये रुक्मणी बाई बहुत अच्छी थी, सब काम एकदम फटाफट करती थी। यह बात बिल्कुल बराबर बोल रही है भाई, रुक्मणी काम में बहुत ईमानदार थी, वो तो बोलना पड़ेगा। और ये लवली काम के सिवाय सब कुछ करती है। अरे काम तो हमारे जमाने में हम किया करते थे मेहता साहब, स्वावलंबी थे स्वावलंबी। अरे मेहता साहब, जरा अपने दोस्त को बोलो कि ये जमाने में उनको बराबर नहीं जमता, तो अपने जमाने में वापस खुशी खुशी जा सकते हैं वो। तुम फिर शुरू हो गए यार। लेकिन भैया, जब तक हमें कोई नई काम वाली नहीं मिलती है, तब तक तो इन्हीं लवली मैडम से काम चलाना पड़ेगा, क्यों? बिल्कुल बराबर बोला मेहता साहब आपने। ओ हाँ यार, वरना हमारी बीवियां फिर से हमको नई काम वाली बाई को ढूंढने में लगा देंगी। अच्छा ये छोड़ो, सोडा कैसा बना? लवली लवली। हेलो। अरे बाप रे, कहीं ये फिर से स्कूटर स्टैंड पर चढ़ने को ना बोल दे, अब क्या करूं? हाँ बोलो माइकल। क्या मैन, अरे दे देगा तुम्हारा पैसा, क्या जल्दी क्या तुमको, अभी एक दो दिन लगेगा। हाँ अरे लवली किसी का उधारी ज्यादा दिन नहीं रखता है, बोलो ना चुका देगा पैसा तुम्हारा। गॉड लवली, ये उधारी बहुत बढ़ गया, अभी जल्दी कुछ करना पड़ेगा।
शर्म नहीं आती? ये क्या छुप छुप के काम वाली बाई को देख रहा है? सॉरी मैं बाई को नहीं देख रहा हूँ। Excuse me. पुरे, पुरे. Yes? ये स्कूटर स्टैंड पे लगाना मैन। अभी इधर से हाँ हाँ उसको नीचे करने का हाँ हाँ अभी बराबर थैंक यू आप समझ में आए मैं क्यों देख रहा हूँ उसे? हाँ खूबसूरत है इसलिए। मैडम बर्तन में बहुत चिकनाहट रहता है तो साफ तो तुम ही करती हो ना? हाँ मगर वो शाइन लिक्विड आता है ना उससे बर्तन एकदम शीशे के माफिक चमकता है। पता है पर वो बहुत महंगा आता है। व्हाट मैन देखो अभी तुम ऐसा बोलता है ना इसलिए दया बहन बोलती है। क्या हुआ दया बहन क्या बोलती है? कुछ नहीं मैडम कुछ नहीं जाने दो नॉट गुड फॉरगेट इट। नहीं लवली बताओ दया बहन क्या बोलती है? अभी जाने दो ना मैडम जाने दो। देख लवली बता मुझे बुरा नहीं लगेगा। वो आपको कंजूस बोलती है। ओहो भाई कंजूस और मैं? अरे उनको क्या है उनकी तो दुकान चलती है ना दो नंबर का पैसा जो आता है दुकान में और मैंने फालतू खर्चा नहीं किया तो मैं कंजूस? देखो लवली तू सच बता मैं कंजूस हूँ? नहीं 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 मैडम बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा मैडम एक 2000 रुपए मिलेगा? बस नेक्स्ट सैलरी आते ही हम दे देगा वापस। हाँ क्यों नहीं? अभी देखो मैडम हमने आपसे पैसा मांगा आप फौरन हाँ बोला और वो दया बहन आपको कंजूस बोलते हैं। वेरी सैड मैडम। आप सारे लोग हिंदुस्तान के इतिहास से परिचित हैं ये मैं जानता हूं। ब्रिटिश जो चाहते थे कि हमारे इस खूबसूरत देश पे राज करें इसे अपना गुलाम बना लें। सबसे आसान तरीका उन्हें लगा इस देश की एकता को तोड़ने का कि बस लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दो फिर राज अपना हो जाएगा। और लवली ने अपने भड़काने वाले अभियान की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले चंगुल में लिया है माधवी को। आगे ये किन किन को अपने चंगुल में लेती है ये तो वक्त बताएगा लेकिन ये तय बात है कि एक बहुत बड़े हंगामे की सनसनीखेज शुरुआत हो चुकी है। गोकुलधाम सोसाइटी में होने वाले हैं तमाम झगड़े और मुझे नहीं पता अब क्या क्या होगा लेकिन कुछ भी हो आपके लिए एक चीज तय है ठाक है देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.